और ये आपको पास में ही अखंड दीपक जो जलता है वो दिखाई दे, 40 साल से जल रहा है, तो आप देख सकते हो। ये श्री राम शर्मा जी की समाधि है, आप देख लीजिए, ये माता भगवती की समाधि है। तो गाइज मेरे पीछे ये आप गायत्री मंदिर देख सकते हो। तो इस मंदिर के कराएंगे दर्शन, नीम का थाना के अंदर है ये मंदिर, और आज जन्माष्टमी है तो इस मंदिर को सजाया भी गया है, तो काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो ये पूरा मंदिर है, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये मंदिर। मेरा नाम विष्णु शर्मा है, मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट नीम का थाना का परिव्राजक। यहाँ गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना 16 अप्रैल 1984 में हुई थी, जब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी यहाँ आगमन पे आए थे। क्योंकि गायत्री शक्ति का मतलब होता है दिव्य चेतना, आत्म चेतना और प्राण चेतना। गुरुदेव ने कहा कि मंदिर का निर्माण तो बहुत हो चुका है, लेकिन अब शक्तिपीठ का निर्माण करना है। शक्तिपीठ का मतलब जहाँ व्यक्ति आए तो उसे प्राण ऊर्जा मिले, चेतना की शक्ति मिले और एक मेधावान व्यक्ति बन सके। तो गुरुदेव ने माँ गायत्री को तप करके हम तक सुलभ करवाया, जिस प्रकार भागीरथ ने तप किया था, माँ गंगा को हम तक सुलभ करवाया था, और गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कठिन तप कर 24 साल तक माँ गायत्री की कठिन तपस्या की और माँ गायत्री को आत्मसात कर लिया। गुरुदेव और माँ गायत्री एक हो गए, और गुरुदेव की पूजा करने से माँ गायत्री की पूजा सफल हो जाती है। तो गुरुदेव ने एक गायत्री परिवार का निर्माण किया। पहले गुरुदेव का जन्म आंवलखेड़ा में 1911 में हुआ। उन्होंने कठिन तपस्या करने के बाद उनको माँ गायत्री ने आत्मसात किया और दिव्य चेतना दी कि आपको एक ऐसी तपस्थली की स्थापना करनी है जहाँ मानव को घड़ सके, मानव का निर्माण कर सके। तो गुरुदेव ने वहाँ तपोभूमि मथुरा का निर्माण किया। वहाँ ऐसी भट्टी तैयार की जाती है मानव की, जैसे सोने को गलाकर उसको नवनिर्मित किया जाता है, वैसे ही मानव को वहाँ बुलाकर उसका निर्माण किया जाता है, उसका परिशोधन किया जाता है, उसमें नई ऊर्जा भरी जाती है। ऐसी तपोस्थली गुरुदेव ने निर्माण की। उसी अखंड दीपक की ज्योति यहाँ जल रही है 30-40 साल से। वो अखंड दीपक है वहाँ यहाँ निरंतर 40 साल से जल रहा है। मथुरा से तपोभूमि से लाई हुई हिमालय की अग्नि है, इतना तप है, इतना तेज है कि हम खुद आत्मसात करेंगे कि जहाँ 20 साल अखंड दीपक जल जाता है, उसके बाद जो दीपक जलता है वो सिद्ध हो जाता है, और उसी की जनशताब्दी आने वाली है। गुरुदेव ने जो दीपक जलाया था 1926 में, उसकी जनशताब्दी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और साथ में हमारे यहाँ 2 कुंडी यज्ञ भी किया जाता है गायत्री शक्तिपीठ नीमका थाना में, प्रतिदिन 6 से 7 बजे तक। और गायत्री शक्तिपीठ नीमका थाना के 5 पर्व होते हैं, गुरु पूर्णिमा, गायत्री जयंती, 2 नवरात्रि, बसंत पंचमी और 1 वार्षिक उत्सव जो एनुअल डे फंक्शन के रूप में मनाया जाता है। गुरुदेव ने अपने तप से ऐसी जागृति पैदा की है, क्योंकि गायत्री मंत्र से बिना पूजा कोई सफल नहीं होती, क्योंकि 24 गायत्री मंत्र में 24 अवतार हैं। 24 गायत्री, इसी गायत्री मंत्र से रामायण का निर्माण हुआ है, इसी गायत्री मंत्र से वेदों का निर्माण हुआ है। गुरुदेव ने 3400 साहित्यों का पुस्तक लिखा है, उन्होंने इतना दिव्य साहित्य लिखा है, जो भी उनके साहित्य को पढ़ता है तो उसके मन में, उसकी वाणी में, उसके विचारों में ऐसी प्रखरता, ऐसी तेजस्ता उत्पन्न होती है कि हम अपने जीवन में बदलाव कर देते हैं। गुरुदेव ने ऐसा साहित्य लिखा है, और जो भी माँ गायत्री के पावन मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में, उसकी वाणी में, उसके विचारों में अपने आप परिवर्तन होता जाता है, और ऐसा मानो कि हमारा जीवन पहले से जो था उसमें परिवर्तन आ गया है, हमारे जीवन में वो दिव्य चेतना जग चुकी है। ऐसी अलौकिक शक्ति माँ गायत्री है, ऐसी शक्तिपीठ का निर्माण हमारे गुरुदेव ने किया है। और साथ में वो वंदनीय माता जी, भगवती माता जी, जो यहाँ देख सकते हो फोटो में, यहाँ भी है, ये इनकी धर्मपत्नी है। गुरुदेव ने तो कहते ना कि गुरु तो अपने बच्चों का निर्माण करता है। हम पेड़ लगाते हैं ना, तो हम पेड़ लगाने के बाद जो जड़ में पानी डालने का काम है, जो बच्चों को सिखाने की शिक्षा दीक्षा का काम है, वो माताजी ने किया। माताजी ने कैसे किया, अपने स्नेह के रूप में, अपने दुलार के रूप में, अपने प्रेम के रूप में, और शांति कुंज आश्रम में माँ वंदनिया जी अपनी भगवती का प्रसाद खिलाती है। जो भी वो दिव्य प्रसाद को खाता है, उसके अंतर मन की चेतना ऐसे आत्मसात होती है, ऐसी प्रफुल्लित होती है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, वो भोजन ग्रहण करता है। तो ऐसे मानो साक्षात माँ अन्नपूर्णा भोजन करा रही हो और हम उसके बेटे बनकर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी वंदनिया माता जी ने गुरुदेव के तप को निर्माण करके गायत्री परिवार को, बच्चों को सींचा। उसके बाद दिव्य प्राण की ऊर्जा, प्राण शक्ति माँ गायत्री है, क्योंकि माँ गायत्री को हमने आत्मसात कर लिया दिव्य चेतना के रूप में, ऐसी प्रखरता के रूप में। और गुरुदेव ने समाधि स्थल को, जैसे हम चरण पादुका को मानते हैं, लेकिन गुरुदेव ने चरण पादुका को प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा, प्रखर मतलब हमारी बुद्धि में प्रखरता उत्पन्न हो, हमारी बुद्धि में तेज उत्पन्न हो,
और सरल श्रद्धा का मतलब हमारे हृदय में प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना, विश्वास की भावना, समर्पण की भावना, ऐसी भावना उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से गायत्री परिवार का निर्माण किया था। और गुरुदेव चाहते थे कि ये गायत्री परिवार जन जन तक जाए और जिसकी भी समस्या है उस समस्या का समाधान करके उसको गायत्री से जोड़े। और पूरे विश्व में आज 5000 गायत्री शक्तिपीठ है और 2400 प्रज्ञा संस्थान है और 2300 विचार क्रांति अभियान से महिला जागृति अभियान है और 7500 युवा मंडल हैं और 4000 महिला मंडल हैं। ऐसी गायत्री चेतना के रूप में हर जगह राजस्थान में पूरे विश्व में ये कार्यरत चल रहा है। तो हम घर घर में यहाँ यज्ञ और दीपक की अलग जगाई जाती है। दीपक का मतलब होता है कि हमारे हम घर घर जाएं और यज्ञ की अलग जगाते हैं और सारे जो गायत्री शक्तिपीठ नीमका थाना द्वारा 16 संस्कार किए जाते हैं, वो भी निःशुल्क किए जाते हैं, किसी से एक पैसा नहीं ले जाता, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ करवाता है। तो 1 तारीख को और 15 तारीख को यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में सभी प्रकार के संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं। और आओ संस्कारवान पीढ़ी घड़े, ये संस्कार हमने भी चलाया है। जो भी अस्पताल में माताएं बहनें तीन मंथ की गर्भवती शिशु से होता है तो 3 महीने में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें संस्कार का बीजारोपण करने के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो उस उद्देश्य से हम घर घर जाते हैं और यज्ञ के लिए चेतना करवाते हैं। हर घर में यज्ञ, हर घर में दीप यज्ञ, ऐसी पावन ऊर्जा को जगाने का काम गुरुदेव ने किया है। क्योंकि शक्तिपीठ पर आने का मतलब होता है हमारे अंदर की जागृति जगे, हमारे अंदर की शक्ति जगे। क्योंकि भगवान कृष्ण गायत्री मंत्र जपा करते थे, भगवान राम गायत्री मंत्र जपा करते थे और भगवान राम के जो गुरु हैं विश्वामित्र वो भी माँ गायत्री का जप करा करते थे और जो भगवान श्री कृष्ण के ऋषि हैं सांदीपनि मुनि वो भी गायत्री मंत्र का जप करा करते थे। गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन पूछता है कि हे भगवान मैं आपको किस रूप में देखूँ, तो कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे श्रद्धा के रूप में देखना चाहता है तो मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ और अगर तू मुझे मंत्रों में ढूंढना चाहता है तो मैं गायत्री मंत्र में निवास करता हूँ। गीता में लिखा हुआ है गायत्री छंद साम अहम, मैं गायत्री मंत्र हूँ, मैं गायत्री मंत्र में निवास करता हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण भी जगत गुरु के रूप में आए थे और वही विश्वामित्र आज कलयुग के अवतार में परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार के रूप में पंडित श्री राम शर्माचार्य है। इस युग की प्रज्ञा अवतार है जो निष्कलंक होता है, जिसमें कोई भी कालीमा नहीं होती, ऐसे प्रज्ञा अवतार के रूप में इस 21वीं सदी को बदलने का बीड़ा परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उठाया है। वो इस युग निर्माण योजना में अपने पूर्ण तत्व से इस युग को कार्य कर रहे हैं क्योंकि युग को बदलने का कार्य गुरुदेव ने संभाला है। क्योंकि जब जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धर्म नष्ट होगा मैं अवतार लूंगा, तो इस अवतार के युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अवतार ले लिया है प्रज्ञा अवतार के रूप में, जो निष्कलंक होता है, जो हमारी बुद्धि को ठीक करता है। आज क्या है, बुद्धि में विकार आ गए हैं, पहले तो राक्षस दिखाई देते थे लेकिन आज जो राक्षस हैं वो बुद्धि के रूप में विकारों के रूप में निवास करते हैं जो दिखाई नहीं देते। उसका परिशोधन करने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए गुरुदेव उसको बुद्धि को ठीक करने के लिए प्रज्ञा अवतार के रूप में आए हैं। और गुरुदेव की पावन तपस्थली शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में ऋषिकेश के रोड पर बना हुआ है। वहाँ जो भी जाता है उसके मन में, उसकी वाणी में ऐसी शांति ऊर्जा होती है कि आप महसूस नहीं करते। कहते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले साइंटिस्टों ने प्रशिक्षण किया था, पूरे विश्व के मंदिरों में जाकर ऊर्जा चेक की और वहाँ ऊर्जा करने चेक करने के बाद वो शांति कुंज पूछे, उन्होंने कहा कि एक ऐसे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ ऋषि का आश्रम है, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ ऊर्जा चेक कीजिए। और जब वो शांति कुंज आश्रम में गए और उन्होंने वो मशीन लगाई, इतनी ऊर्जा थी, इतनी तेज थी कि वो मशीनें फाल्ट हो गई। उन्होंने कहा कि इतना तेज हम पूरे ज्योतिर्लिंगों में जाके आ गए, इतना तेज कहीं नहीं मिला, इतना तेज गुरुदेव की तपोस्थली में और मथुरा में और गुरुदेव की शांति कुंज आश्रम में मिला। कि गुरुदेव ने इतना तप किया है जितना तप विश्वामित्र ऋषि ने किया था, उसके बाद गुरुदेव ने ही तप किया है। ऐसी पावन धरोवर में हम बैठे हैं। तो सभी से आग्रह है कि गायत्री परिवार ट्रस्ट नीमका थाना सभी से आग्रह करता है कि हम सारे कार्यक्रम निःशुल्क करवा देते हैं। जो 16 संस्कार होते हैं वो घर घर जाकर भी करवाते हैं और यहाँ शक्तिपीठ पे भी वो कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई हुई है। मिशन की अखंड ज्योति पत्रिका, वो भी युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान भी हम चलाते हैं। आप सालाना उसकी मासिक के रूप में आती है सदस्य बने और गुरुदेव का साहित्य से जुड़े। गुरुदेव का साहित्य ऐसा अमृत है, जो गुरुदेव का साहित्य पढ़ता है उसके जीवन में, उसके विचारों में, परिवेश में बदलाव आ जाता है। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि शक्तिपीठ पर 5 पर्व होते हैं, उस पर आइए। और हमारे गायत्री शक्तिपीठ नीमका थाना में विस्तार केंद्र साहित्य भी है, आप जितना साहित्य ले सकें उतना लीजिए और यहाँ से कार्यक्रम करवाइए। हम आपके लिए तत्पर हैं, जब भी आप संपर्क करेंगे आपके लिए कार्यक्रम के लिए हम अग्रसर हैं। और आप आइए, आपका स्वागत है। गायत्री परिवार ट्रस्ट आपका अभिनंदन, आपको प्रणाम करता है।
यहाँ पर कुछ भक्त आए उनसे पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद राम बंसल है। मैं 1985 से शक्तिपीठ पे, जब से शक्तिपीठ बना है तब से मैं सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में आ रहा हूँ। और मैं अब फिलहाल गायत्री परिवार ट्रस्ट से जो ट्रस्टी हूँ, हमारे यहाँ 9 ट्रस्टी हैं, 9 ट्रस्ट मंडल बना हुआ है गायत्री परिवार का। हम लोग आपस में मिलकर के हमारा जो उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण हो, हर मनुष्य को जीवन जीने की कला का अनुभव होना चाहिए, कैसे जीवन को जिया जाता है हम उसी का प्रचार करते हैं। और हमारे गुरुजी पंडित जी श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार हैं, हमारा एक उद्देश्य है कि हम जन जन तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में जो बेचारे, जो असहाय लोग हैं, जो कुछ जानते नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं, उन तक हम गायत्री मंत्र को पहुँचाएँ, गुरु जी के विचारों को पहुँचाएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और जो हमारा संस्कृति, हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, संस्कार पद्धति हमारी विलुप्त होती जा रही थी, हम उसको जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है और हम सभी लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि वो किसी भी प्रकार से निराशा का वातावरण नहीं आने दें। गायत्री, जो आदमी गायत्री से जुड़ गया उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगी, कभी भी कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद। चौथ मल गर्ग। और मंदिर के बारे में बताओ आप। ये हमारा जो ये ट्रस्ट है, ये 23 अप्रैल 1983 में इसकी स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना 1983 में ही, 41वां इसका स्थापना दिवस हमने अभी इसी साल मनाया है। और इसमें हमारी जो गतिविधियां चलती हैं, 16 संस्कार हम निःशुल्क करवाते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों को हम निःशुल्क करवाते हैं, जिसमें 12 संस्कार तो आम हैं, 4 फिर भी जो है वो करा नहीं पाते। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कुंसवन संस्कार है, जो बच्चा गर्भ में आता है वो हम कुंसवन संस्कार निःशुल्क करवाते हैं। कोई भी बहन बेटी अपने कुंसवन संस्कार, 3 महीने के पीरियड में वो कुंसवन संस्कार होता है, जब बच्चे में जीव डलता है वो पुंसवन संस्कार होता है। तो हम यहाँ पुंसवन संस्कार, जन्मदिवस संस्कार, विवाह संस्कार, अन्य प्रसंग संस्कार, विद्यारम्भ संस्कार, ये 12 संस्कार हमारे यहाँ बराबर चलते रहते हैं। और 2 कुंडी यज्ञ प्रतिदिन होता है, जिसमें 30 की संख्या होती है। योग व्यायाम बराबर चलता है। अखंड दीपक है, अखंड अग्नि है। और किसी के भी यहाँ दीप यज्ञ है, हवन है, हम वहाँ उनके यहाँ कोई और कार्यक्रम है उसमें हम हमारे यहाँ की पूरी सुविधाएं देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माँ भगवती देवी, जो हमारे हरिद्वार में उन्होंने सब ट्रस्ट मंडल का गठन कर रखा है, उसी से हम सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं अपने जीवन काल में, उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं, 2400 शक्तिपीठें बनाई हैं और 2400 साल के उन्होंने पुष्टरण किए हैं, जिनमें गाय का जो खा करके, काली गाय को जो खिला करके, उनसे जो वापस जो बाहर निकलते थे उनसे जो की रोटी बनाना और गाय के दूध और दूध में ही उसको सेवन करना, उन्होंने इतना बड़ा पुष्टरण किया है। और सबको ये गायत्री मंत्र से जोड़ा है। जब गायत्री मंत्र को अपने पुराने संस्कृति में इसको क्लित बताते थे, उन्होंने ये इसको गायत्री मंत्र को सबके लिए खोल करके और प्रदान किया है और सबका उज्जवल भविष्य बने, ये उनका उद्देश्य है। हमारे चार वह हैं आध्यात्म प्रगतिशील जीवन के, 4 समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी, ये 4 हमारे स्लोगन हैं। और हम पंथ और दृष्टि सबको साथ लेके चलते हैं, हमारा मसाल का चिन्ह है। हमारे यहाँ कोई जाति, बंधन, वर्ग, भेदभाव कोई नहीं है। हम सबको साथ लेके चलते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा और आप सबका उज्जवल भविष्य हो। हमारी यही प्रेरणा है कि सबका उज्जवल भविष्य हो। हमारे यहाँ रजिस्टर डला हुआ है, 365 दिन का रजिस्टर डला हुआ है, उसमें हम
हर भाई बहन की जब जिसका जन्मदिन आता है या विवाह दिवस आता है या कष्ट निवारण होता है उसकी महामृत्युंजय की आहुति प्रत्येक दिन लगाते हैं। योग व्यायाम डेली चलता है। यहाँ साहित्य केंद्र है जिसमें साहित्य में हमने ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं कि आप आओ, खरीद सकते हो तो खरीदिए, नहीं तो उसको पुस्तकों को पढ़िए और वापस आप ले जाइए और वापस यहाँ देके जाइए, तो आप भी पढ़ें और अन्य को भी पढ़ाएं। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप अपनी बुराई हमको दो और अच्छाई ग्रहण करो। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप अपना जीवन का सुधार करो, जिससे अपना सुधार करेंगे तो ये आपको सारा संसार सुधार में लगेगा। धन्यवाद। आज हम आ चुके हैं नीम का थाना गायत्री मंदिर के अंदर, तो ये देख लीजिए ऐसा कुछ है गायत्री मंदिर, ये इसका एंट्री गेट और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएंगे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा गायत्री मंदिर। तो देखिए ऐसा कुछ है, आज जन्माष्टमी है तो मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग आने वाले हैं, तो कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पर रखी गई है। इधर ये पार्क है और सामने आपको ये गायत्री मंदिर दिख रहा होगा, तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ मैं आपको गायत्री में। तो यहाँ पर तो अभी कोई उद्घाटन होने वाला है, तो इधर से नहीं जाएंगे हम, इस साइड से चल के आपको मैं जो गायत्री मंदिर है उनके दर्शन करा देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से हम आ गए हैं और सामने आपको गायत्री जी के दर्शन, तो गायत्री जी माता जी के दर्शन कर लीजिए आप। तो ये है गायत्री माता जी और आसपास की लोकेशन कुछ ऐसी है, और सामने मेन रोड है और ऐसा पूरा है गायत्री मंदिर, तो वो ये आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर ये होता है वो भी जगह आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ 40 साल से यज्ञ होता है, ये देखिए यहाँ पर होता है यज्ञ। अखंड अग्नि मथुरा से लाई हुई, अखंड अग्नि मथुरा से लाई गई है, तो ये देख लीजिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और 40 साल हो गए यहाँ पर यज्ञ होते हुए, प्रतिदिन 2 कुंडी यज्ञ होता है, ये देख लीजिए। और ऐसा कुछ है, ये आसपास का लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर लकड़ी भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर यज्ञ होता है, इसमें काम में ली जाती है। और यहाँ पर आपको शिव परिवार देखने के लिए मिलेगा, तो इनके भी टपकेश्वर महादेव के रूप में, ये देख लीजिए आपको शिवलिंग यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर इससे शिवलिंग पर पानी पड़ता रहता है। और यहाँ पर आपको नांदिया जी की जो मूर्ति है वो दिखाई दे जाएगी, तो यहाँ से एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ। ऐसा है शिव परिवार और ये भी पूरा कांच से बनाया गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी भगवान की मूर्ति है, और यहाँ पर पार्वती माता जी की, और यहाँ पर कार्तिक जी की बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। मैं आपको दूर से ये दिखा देता हूँ पूरा कैसा है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर है, और यहाँ पर ये पूरा शिवलिंग है। शिवलिंग मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए इस पर से पूरे दिन पानी टपकता रहता है, तो ऐसा कुछ चाहिए शिवलिंग। तो क्या यहाँ से बाहर निकलते ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है, और यहाँ पर ये होता था जो जगह मैंने आपको दिखाई है। तो क्या यहाँ पर साल में 5 पर्व होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उनके बारे में लिखा हुआ है, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप कॉल करके यहाँ पर आना चाहें तो संपर्क करना चाहते हैं, नंबर भी यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिए, इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो समाधि है, संतों ने जो समाधि ली थी वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये श्री राम शर्मा जी की समाधि आप देख लीजिए, ये माता भगवती की समाधि है। तो ये यहाँ पर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या, जो यहाँ पर बैठते हैं व्यक्ति उनको शांति जो है उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए मंदिर के अंदर ही ये समाधि है। और ऐसा कुछ पार्क है, यहाँ पर भी आप आके बैठ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर आप कभी आओ तो यहाँ पर बैठ सकते हो, ये देख लीजिए ये पार्क है, और यहाँ पर इस साइड में ये समाधि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस मंदिर का नाम लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और एक भक्त यहाँ पर और आए, इनसे भी पूछते हैं जी आपका शुभ नाम। मेरा नाम सांवर मल अग्रवाल, यहाँ सुभाष मंडी में। तो गाइस यहाँ पर है ये समाधि, और यहाँ पर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है कुछ, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो आज जन्माष्टमी है तो मंदिर को देखिए कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है,
और सामने ही यहाँ पर मेन रोड है जहाँ से आप आना चाहो तो आ सकते हो। ये गुरुदेव के श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा 3400 पुस्तकों का साहित्य विस्तार केंद्र है। आप आइए यहाँ से साहित्य लीजिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए, क्योंकि गुरुदेव का जो साहित्य पढ़ लेता है उसके जीवन में, उसके विचारों में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है। गुरुदेव ने ऐसा अनमोल साहित्य लिखा है योग के बारे में, चिकित्सा के बारे में और साथ ही लोक सेवा गायत्री के बारे में पूरा विवोचन लिखा हुआ है। यहाँ प्रज्ञा पुराण अभियान भी गुरुदेव चलाते हैं, प्रज्ञा पुराण कथा है, पूरा साहित्य है, विस्तार केंद्र है। आप आइए, आपका स्वागत है। यहाँ साहित्य को पढ़िए और अपने जीवन में वो कल्याण को, माँ गायत्री की चेतना को, दिव्य को आत्मसात करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और साथ में उस साहित्य को पढ़कर दूसरों को पढ़ाने की कृपा करें। तो गाइस, आज हमने आपको दिखाया नीम का थाना का गायत्री मंदिर। और ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। आज जन्माष्टमी है तो मंदिर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है, तो यहाँ पर आप आना चाहिए तो आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने फ़ोन के दे दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।